हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मार्वल स्टूडियो के इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं कि आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा या ये वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा। काफी सारे अपडेट्स, लीक, मेजर अपडेट, थ्योरी, बहुत कुछ आ रहा है। पर ये मूवी थोड़ी डार्क और हॉरिबल तो होने वाली है, और फिलहाल टाइटल से ही पता चलता है कि मल्टीवर्स तो होने वाला है, तो कैमियो तो नॉर्मल सी बात है। तो इस मूवी में जो सबसे ज्यादा नाम आ रहे थे वो थे फॉक्स के कैरेक्टर, जिसमें कि फैंटास्टिक फोर, एक्समैन के कैरेक्टर और उसी के साथ मरे हुए कैरेक्टर और कुछ वेरियंट के भी नाम आ रहे थे। तो ये सारे अपडेट थे जो कि अब तक हाल फिलहाल में पता चले। पर जब भी कोई इनसे रिलेटिव कन्फर्मेशन आती तो एजी मीडिया न्यूज कभी पीछे नहीं हटता, और फाइनली आज वही दिन है। एक और कंफर्मेशन आई है रॉब की तरफ से, जो कि ऑलरेडी डेडपुल के क्रिएटर हैं। इन्होंने डेडपुल की कॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा काम करा है, और इन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि उन्होंने क्लियरली मेंशन करा कि अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स या मेजर लीक्स प्लॉट्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं। जी हाँ, उसका लिंक आपको फुल इंटरव्यू का मेरे लिंक इन डिस्क्रिप्शन यानी कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बात करी जाए कि रॉब किन लेक और मेजर अपडेट की बात कर रही, तो जैसे कि जॉन एस कैप्टन अमेरिका या फैंटास्टिक फोर, एजेंट कार्टर और उसी के साथ टॉम क्रूज एस आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स, वुल्वरीन, ह्यूग जैकमैन जो कि उसका कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में, तो ये सारे वो लीक्स मेजर अपडेट्स हैं। अब पूरी लिस्ट कास्ट तो फाइनली लीक हुई थी बीच में अभी हाल ही में, पर काफी लोगों ने उसको फेक बताया। तो मुझे लगता है कि रॉब ने दोबारा से ऐसा कुछ बोला है और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई मेजर लीक्स कंफर्म हो सकते हैं। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद डिज्नी प्लस पे पहले हमें शायद एक्समैन या फैंटास्टिक का कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है, पर ऑन थिएटर इतना कुछ देखने को मिलेगा। लिटरली केविन फाइगी की ओ सलाम कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान कर रखा है। अगर रॉब ने जो कहा है वो सच हुआ तो गाइस मज़े आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अदर अपडेट के बारे में, जो कि है थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड। फिलहाल ट्रेलर का कोई भी मेरे पास अपडेट नहीं है, अगर होता तो मैं आपको सबसे पहले बताता। तो और फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। फैसिलिटी अपडेट है कि थॉर मूवी में आपको एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, अकोशिया, जो कि ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, यानी कि उनकी जो गॉड होती है बीस्ट। जी हाँ, उसी का सेकेंड अपडेट है बहुत ही कमाल का, डिकोत्सा जो कि मैडम वेब का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उन्होंने मार्वल स्टूडियो सोनी पिक्चर को टैग करा है। इसका मतलब इन दोनों का कोलैबोरेट है। और फाइनली रसल कंफर्म हो चुके हैं सोनी और मार्वल यूनिवर्स में दोबारा से। जी हाँ, पहले रूमर्स आ रहे थे पर अब कंफर्मेशन हो चुका है, वो केविन द हंटर मूवी में केविन का पापा का कैरेक्टर प्ले करेंगे, यानी कि फादर का। उसी के साथ एक बिहाइंड द सीन इमेजेस एंड्रू गारफील्ड के स्टंटमैन की, जो कि हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है शक्तिमान से रिलेटेड। तो फाइनली इंडियन का पहला सुपर हीरो जो कि टीवी सीरीज में आपको देखने को मिला था शक्तिमान, यानी कि पंडित गंगाधर, उनकी ऑफिशियली 3 मूवी आएंगी। जी हाँ, एक ट्रिलॉजी होगी प्रॉपर। फर्स्ट टीजर रिलीज कर दी गया है जो कि बहुत ही कमाल का इनक्रेडिबल है, और सभी ने पहला एपिसोड तो देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर लेना, और पहले टीजर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया तो चेकआउट करें। उसी के साथ सबसे ज़्यादा जो मेरे को पसंद आया ट्रेलर वो था जोरासिक वर्ल्ड का। लिटरली गाइस, इस ट्रेलर को देखने के बाद लगता है कि हाँ, हमें यूनिवर्सल कुछ अलग ही दिखाने वाला है जून के महीने में, और इस मूवी का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि जोरासिक वर्ल्ड के बाद आपको कोई मूवी देखने को नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको बस टीवी सीरीज देखने को मिलेंगी और इसके अलावा कोई मूवी नहीं देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस मूवी से रिलेटेड यही अपडेट था। उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।